से आपके विद्यालय में एक नई परंपरा का जन्म हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसी परंपरा? एक अब हर प्रतिदिन जब भी आपकी छुट्टी होने वाली होगी उस समय इतिहास के पन्नों से आज के दिन यानी कि आज की तारीख को क्या हुआ था ये आपको प्रतिदिन बताया जाएगा, जिसका प्रारंभ आज तारीख 3 अप्रैल 2023 से किया जाए। कोई शक है? जोर से बोलिए। वेरी गुड। तो चलिए आज जानते हैं कि आज के दिन यानी कि 3 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। 3 अप्रैल का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आज के दिन ही यानी कि 3 अप्रैल के दिन ही मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? शिवाजी की। किसकी मृत्यु हुई थी? शिवाजी की। शिवाजी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में शिवाजी कौन थे? तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के जनक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, वो थे शिवाजी। ठीक। शिवाजी ने मराठाओं को गुरिल्ला युद्ध लड़ना क्या किया? सिखाया। क्या किया? सिखाया। किसको? मराठाओं को। धीरे धीरे मराठा परंपरा ने औरंगजेब से युद्ध लड़ना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब ने शिवाजी को आगरे के किले में कैद कर दिया, लेकिन शिवाजी ने फलों की टोकरियों में बैठकर कुछ दिन बाद वहां से निकल भागे और फिर वो कभी भी औरंगजेब के हत्थे नहीं चले। उन्होंने मराठाओं को बहुत चरम तक पहुंचाया। बाद में जो पेशवाओं ने भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया वो शिवाजी की ही देन। वो सारा कार्य शिवाजी के ही संरक्षण में हुआ था। आप नाम सुने होंगे, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, नाना साहब, ये सारे पेशवा थे जिन्होंने मराठाओं को बहुत उत्कर्ष तक पहुंचाया। एक समय ऐसा था कि पूरे भारतवर्ष में, लगभग पूरे भारतवर्ष में मराठाओं का कब्जा था और दिल्ली भी मराठाओं के कब्जे में। 1761 के बाद यानी कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद धीरे धीरे मराठाओं का पतन होना प्रारंभ हुआ।